बस पेंट होना बाकी है ये दोनों में, और लोग अपने अपने पूर्वजों के कब्र में पेंट उंट कर रहे हैं। गोबर की लिपाई हो गई है, तो छोटे छोटे ऐसे घास उगाते हैं। ये मेरे नाना नानी के कब्र है, और ये मेरे बाबा, बड़े बाबा, और मेरे दो भाई। और उधर आंटी लिपाई कर रही है, गोबर की लिपाई। अंकल उछाड़ा कर रहे हैं। फ्लावर्स लेने हैं, और उसके बाद वहाँ से भी पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जाम लगा हुआ रहता है। गाड़ी लेने का तो कोई सीन ही नहीं बनता है, तो बस इधर से हम निकलते हैं, फ्लावर्स लेते हैं वे सीधे कब्र में, और उसके बाद वहाँ का जो भी प्रक्रिया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और चलिए चलते हैं। दो ठो लेंगे ना, जल्दी कहते हैं यदि मट्टी ही नहीं उठे हैं घर में बदल जाएंगे और अनश्वर बनकर पुनर्जीवित हो जाएंगे। आज जब हम इस कब्र स्थान में अपने प्रिय जनों को याद कर रहे हैं, तब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा प्रदर्शन शांति तथा एकता प्रदान कर तुझे गण आशीर्वादन कीजिए। Thank you.
इस मोहब्बत तक आप हाजिर तो दो टुकड़ों को जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें आज का जो वचन हमने सुना है उसे हमें समझाने इस सुंदर प्रवचन के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कब्रस्थान के प्रदान करे आप लोग विदा ले मिसा संपन्न हुआ
ऑटो में आई, कुछ देर पैदल आई और अभी घर पहुँची हूँ। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।